सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं इस कारल की सेंसिटिविटी सभी स्कोप के साथ। अगर आप क्लासिक गेम खेल रहे हो और उसके अंदर आपको M416 मिले और इस कारल भी मिले, ठीक है, तो आप M416 को ही चूज करो, क्योंकि इसका सेंसिटिविटी आसान होता है सेट करना एज कम्पेयर टू इस कारल। और जो उसका स्प्रे होता है काफ़ी स्टेबल होता है, ठीक है। तो बहुत से बंदे इस कारल को इसीलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि जो इसका रिकॉयल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और बंदे इसकी सेंसिटिविटी है उसको उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ इस कारल की बेस्ट सेंसिटिविटी, जिसको आप सेट करके इस कारल के यूज करने वाले हो गेम के अंदर। तो चलिए दिखाते हैं आपको सेंसिटिविटी, फिर आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको सेट करना है अपने डिवाइस में। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी जायरो प्लेयर्स के लिए होने वाला है। तो यहाँ पे आ जाना आपको कैमरा सेंसिटिविटी में। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी स्कोप के सेंसिटिविटी आपके सामने है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जितने भी स्कोप के नंबर बढ़ते गए ना, तो उनके मैंने सेंसिटिविटी और परसेंटेज है ना उसको मैंने कम पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 3x को मैं 50 पे रखा हूँ, तो 6x को 30 पे और 4x को मैं 35 पे रखा हुआ हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको एरिया सेंसिटिविटी को स्किप कर देना अगर आप जायरो प्लेयर हो, तो आपको आ जाना चाहिए जायरोस्कोप सेंसिटिविटी पे। यहाँ पे आपको रख लेना है अपने जायरोस्कोप सेंसिटिविटी को 250 पे। जहाँ तक मैंने कई डिवाइसेज में चेक किया है ना, 250 से लेके 280 तक का जो जायरोस्कोप सेंसिटिविटी है वो काफ़ी सही से वर्क करता है, ठीक है, सभी डिवाइसेज में। तो अगर आपका मान लीजिए 250 पे उतना सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको 260 या 270 ऐसे आपको 10 पॉइंट 5-5 पॉइंट करके कम या ज़्यादा करते रहना है, ठीक है। और यहाँ पे कैमरा सेंसिटिविटी में ऊपर आने के बाद क्या करना है आपको ना, जैसे कि मान लो मेरा रेड डॉट 40 पे है ना, तो देखो ये सभी डिवाइस में ऐसा नहीं है कि वर्क करेगा जैसे मेरे में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, अगर मान लीजिए 40 पे काम नहीं कर रहा है रेड डॉट, या मान लीजिए 3x50 पे काम नहीं कर रहा है आप में, तो आपको क्या करना है ना, 5 पॉइंट आपको बढ़ाना है, ठीक है। अगर फिर से मान लीजिए 5 पॉइंट को इंक्रीज करने के बाद ही वर्क नहीं कर रहा, तो फिर से उसको 5 पॉइंट और आप इंक्रीज करिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कम ज़्यादा करके, ठीक है, आप अपना सेंसिटिविटी को पा सकते हो आसानी के साथ। और अगर सेंसिटिविटी कॉपी करने से आप में वर्क कर रहा है तो ठीक बात है, ठीक है। अगर वर्क नहीं कर रहा है तब आपको ये ट्रिक अपनाना है, ठीक है, और आसानी से अपनी सेंसिटिविटी को आप सेट कर लोगे। मैंने भी अपने सेंसिटिविटी को ऐसे ही सेट किया था, काफ़ी मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ता है जाकर ट्रेनिंग ग्राउंड में। सो गाइस, आज की वीडियो में यही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।